सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। जलंधर दे विच एक सब इंस्पैक्टर दी पत्नी दे वल्लों अपने पति ते नजायज़ संबंधां ते कुटमार दे इल्जाम लगाए गए। बीती रात ही सब इंस्पैक्टर दी पत्नी दी एक वीडियो भी वायरल हुई सी जिस दे विच कि अपने पति ते गंभीर इल्जाम लगा रही सी। इस महिला दे वल्लों बीते कल ही सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर दे घर दे बाहर धरना लगा के इंसाफ दी मंग भी कीती गई सी, जिस तों बाद हुण अज इस सब इंस्पैक्टर दी पत्नी दे वल्लों पुलिस थाणे दे विच शिकायत दर्ज करवा इंसाफ दी मंग कीती गई है। मेरा नाम सविता बाली है, मेरे हस्बैंड का नाम अरुण कुमार है, SI अरुण कुमार। एक्चुअली वो मैनू 2017 तो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पहला वो अपनी भरजाई ना रेंदे सीगे, इन्हां दे घरदियां दे पिछे लग के इन्होंने मेरे ना बड़ी मार कुटाई की। मैं 2012 तो एप्लीकेशन लगातार दे रही सी, तो मेरी उदों अमनीत कौंडल मैम ना हुई गल 2015 मेरी उन्होंने सुनवाई की, पर 2017 मेरी जठाणी पवन बाली जेठ है मेरा, वो जठाणी मैनू घर आ के धमकी देन लगी तू अपनी कोठी खाली कर दे। फिर मैं साहब नूं कहा सी, सर मैं कोठी ये मेहनत नाल बनाई है, मैं खाली क्यों करा, मैं इन्हां कोलों पैसा नहीं दिता। सिर्फ उन्होंने मैनू इन्ना कु परेशान कराया, इस ये बंदा पहला उन्होंने पिछे लग के मारता रहा और दराणी ना दिंदा रहा। देवर मेरा जिहड़ा नशे वेचदा, एक देवर मेरा हैड क्लर्क है, हैड क्लर्क तो छोटा हैड क्लर्क दे व्यू च आ के वह नशे वेचता रहा। देखो उत्ते परचे भी होए आ, 6 महीने जेल च भी गया, फिर वह रफा दफा कराता और 4 वारी उत्ते परचे हुए ने। मनीष बाली नाम है वह, और ER 245 च नशे इंजैक्शन वेच रहे थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये जिहड़ा वरुण बाली है CRC लगा हुआ सी, तो ये तहत ये कह दिंदा सीगा कुछ नहीं होना। और 2017 मैनू कहिंदा कि तू दफ्तर में जिन्नियां भी चिट्ठियां देनियां दे, तेरी सुनवाई नहीं होनी, और वाकई सुनवाई नहीं हुई। 2017 प्रवीण सिन्हा साहब सीगे, उन्होंने कहा मैं बड़ी परेशान हाँ, मेरे को एक पैसा नहीं है, पर उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। उस तो बाद भुल्लर साहब आए, भुल्लर साहब ने बेनती की, सर मेरे घर एक आटे का दाना नहीं है, कोई चावल नहीं है, मैं की करा, कितने जावा। तो भुल्लर साहब ने फिर मेरा थोड़ा जा साथ दिता और मैनू घर वास्ते भी राशन वास्ते भी अपने कोलों पैसे दिते, मैं वह राशन पाया। और उस तो बाद मेरा खर्चा 13,000 लगाया गया महकमे तो, पर मेरा आर्मी फिर भी नहीं मुड़िया। मैनू रोज़ मेरी बस लुकी करनी, गालां करनिया, बच्चों नूं देखना नहीं। मेरी नूँह भी है, मेरे 2 पोते भी है, और मैं अपने बच्चे का विआह बिल्कुल सिंपल सादे ढंग च कीता। मेरा एक छोटा बेटा 23 साल का, तो मैं इन्नी परेशान हो गया भी ये बंदा सवेरे जाता शाम नूं रात नूं घर आता शराबा पी के, जो इन्हें छुट्टी भी होंगी है फ्लाइंग होंगी है मुलाजमान ये घर नहीं आता। मैं महीना हो गया 1 नंबर चौंकी च भी लैटर लिख के दे के आई हाँ कि मैनू घर बहुत परेशान करता, गालां कढ़दा आके घर, भी यदि कोई वजह है ना, तो सानू पैसे दिंदा उल्टा सानू आके गालां गलोच कढ़दा, ना साडे नाल टाइम स्पेंड करता। करफ्यू लगा सीगा, सारा महीना रोटी नहीं खाधी घर, तो मैनू सीगा इन्नी बीमारी के दौरान अगर इनू कुछ हो गया सानू ही बीमारी लाएगा नाल। तो मैं 1 नंबर भी किया, 4 नंबर च भी लैटर 2 दे के गई हाँ, तो शटर साहब कहते सके कि मैं बैठ के इन्होंने डिस्कस करवाना, तो टाइम नहीं मिले उन्होंने भी, मैं नहीं कहती मसरूफ रेंदे ने सर, पर मेरी जिंदगी का सवाल सीगा और मैं ये वाच कर रही सी ये कितने जा रहा। कल मैंने थोड़ी जी सूह पता लग गया किसी को भी ये बंदा उत्थे जाता, जो छुट्टी हो जाती है थाने तो
तो उधर निकल जाता, उन्हें घर फ्रूट लैके जाना, उन्हें घर सब कुछ लैके जाना, साड़ी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और वो जनानियाँ मैं जानती नहीं सी उन्होंने, मैं जो उत्थे गई हाँ तो मैं देखा तो मोटरसाइकिल लगा हुआ, तो जो मीडिया वाले ने मैं बुला लिया, क्योंकि मैं कल्ली तां नहीं गई क्योंकि कल शोर शराबा पैना, इन्हें कहना मैं कोई गलत नहीं हाँ। मीडिया वाले ने सामने तां बुलाया मैं कि अंदर जाके असी देखा एक बुढ़ा बुढ़ी विचकार पे सीगे बेड़े च, और उन्होंने कोई बीमारी नहीं सी, और ये तीन लेडी नाल एक कमरे च बैठा लेटिया होया सी बैड ते, और इन्हें जो मैनू वेख्या ये उठ के उतों बहर आ गया। और वह जनानी ने मैं पहचान लिया क्योंकि वह एक बार साढ़े घर आई सी, ये नाल एक होर बंदा लैके साढ़े कहिंदे सी घर बका दिंदे आ तुहाडा, मैनू नहीं सी पता की चाल चलन रही है चार पाँच साल तो। वह फिर महल्ले वाले ने भी कहा कहिंदे रोज़ लगा हुंदा मोटरसाइकिल, करफ्यू विच भी इत्थे मोटरसाइकिल लगा रहिंदा सीगा, और 9 बजे यह बंदा जांदा सी, 9 बजे घर पहुँचदा सी रोटी पानी खा के, जो असीं कहना रोटी खा लो अभी खानी नहीं, मेरी नूह नूं भी हूँ। फिर मैं कल जाके मैनू सफलता मिली और मैं वह जनानियाँ दे घर गई हाँ। वह उतों की प्रधान है कांग्रेस की, कोई बनाई बनी फिर अपने आप से, पर वैश्यावृत्ति करती है, वो सारे ही जानते पहला किराए पर रेंदे से, उन्होंने भी कढ़ता तो फिर उन्हें किराए पर लिता मकान, और जिदा किराए पर मकान है वह बजुर्ग है वो कोलो उन्हें कब्जा कर लिया मकान पर, किराया काम कोई नहीं करती, बस यही बंदियां नूं सारे जिन्हें भी है। हुण कल एक जड़े जदों असीं इन्हां नूं फड़ लिया तो मेरे हसबैंड दौड़न की कोशिश कर रहे सीगे, तो मैं 8 नंबर चौंकी फोन किया, बहुत जगह तो किया, मैं किसी गल नहीं कड़ी, पर उतों दो पहला PCR से आए मुलाजम वो खलोते रहे, उस तो बाद एक ASI आया उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कहिंदे साढ़े साहब आ गए, फिर किरपाल सिंह आए उन्होंने कहा इत्थे शरीफ औरतां रहिंदियां तुहानू कोई मतलब नहीं, तुहाडा दिमाग खराब है तुसीं पागल हो, तो अरुण नूं कह के दौड़ा दिता उतों, तो मैनू कहिंदे जो करना तू कर लो। नजायज़ संबंध है ओदे कुड़ी भी है, ओदी कुड़ी भी है जनानी की, एक उत्थे एक होर मोटी जी जनानी सी ब्यूटी पार्लर वाली है, वह तीन जने का हाँ हाँ जी। DCP साहब ने कहा कि लैटर सानू दे दो तो असी फिर कार्रवाई करने हैं, कोई असर नहीं, सारे अफसर नहीं लै रहे, पर कुछ लोग है जिस तरह हूँ ASI किरपाल सिंह सीगा, अगर वो अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करता अरुण नूं भी थाने लैके जाता, वो जनानियां नूं भी थाने लैके जाता, और अंदर जाके मीडिया वाले नूं सारे नूं फोटो दिंदा क्योंकि शराब पीती सी अरुण ने अंदर बह के उन्होंने वर्दी च सीगा, और मैं वर्दी की बहुत इज्जत करती हाँ क्योंकि मैं खुद पुलिस वाले दे घरों हाँ, मैं उन्हां दी बेटी हाँ, और मेरे फादर एक्सपायर होए ने, गलेंट्री अवार्ड मिले उन्होंने, और पुलिस वाले मेरे नूं धक्का करी जांदे ने, हुण मेरी मंग ये है कि अगर मेरा आदमी कोलों लिखाया जाए, क्योंकि ये धमकी दिंदा, अज भी मेरे नूं उन्हें धमकी दित्ती है 10 बजे कि घर खाली कर दो, घर मैं बनाया, मेरे महल्ले वाले 2 नंबर चौंकी मुलाजम सब जानते हैं कि मैं बड़ी मेहनत करके घर बनाया, तो हर वेले यही धमकी दिंदा घर घर छड़ दो। असी DAV कॉलेज को रहने शीतल नगर, न्यू शीतल नगर रहने, वो रेरू चौंक दे कोल है बाबा दीप सिंह नगर, मैनू किसी को सूह मिली सी क्योंकि मैं तंग आ चुकी सी रोज की बेइज्जती तो, तो मैं क्या सी ये कहिंदा ना मैं गलत नहीं, पर इन मैं साबित कर दा, तो मैं साबित कर दिता, तो मीडिया ने मेरा बड़ा साथ दिता, मैं मीडिया के अगे ये भी सहयोग करनी हाँ कि होर भी भैन जिहड़ियां मेरे वर्गियां और झूठ जिहड़े इल्जाम लगा रहे कि मैं पुलिस नूं गालां कढ़ियां, मैं पुलिस नूं कोई गल नहीं कढ़ी, हाँ मैं अपने आदमी नूं उत्थे हाथ चुकिया क्योंकि उन्हें मेरे ते हैलमेट मारन की कोशिश की, तुसीं मीडिया च भी देख सकते हो, तो मैं हुण अपना बचाव तो करना ही हाँ, और वह जनानियां नूं जेल च भेजो, और जिहदा मकान है उन्हूं मकान दित्ता दवाया जाए, अरुण कुमार कोलों मैनूं मकान लिखवा के दिता जाए, अगर जे सानू सारी तनखा दिंदा क्योंकि ये सारी मेरे 28 साल विआह नूं हो चले आ, मैनूं तनखा नहीं दिंदा रहा, इहदी मां ने मेरे ते बड़े जुल्म कीते। उधरी दूजे पासे DCP गुरमीत सिंह का कहना है कि दोवें तरह नूं बुला के इस मामले का हल कर लिया जाएगा।
ਇਹ ਸਵਿਤਾ ਬਾਲੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਰਾਤੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ 'ਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਸਪਿਊਟ। ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 'ਚ ਲੱਗਾ ਫਿਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਰੋਪ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਰਦੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁਣ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਧਰਨੇ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਨ ਆਫ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸੁਰਾ ਟੀਵੀ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374 94648, 84374 94648।